झुंझुनू जिले में मैंने 9 तारीख को रात्रि में पदभार ग्रहण किया था। कल ईद का एक महत्वपूर्ण त्यौहार था और ईद पर भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। शांतिपूर्ण तरीके से सारा त्यौहार मनाया गया पूरे जिले भर में। उसके उपरांत एक वीवीआईपी विजिट भी था जो कि जो है जिले में था लगातार जारी, वो भी शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुआ। आज सवेरे मेरे द्वारा सभी अधिकारियों की, वृत्ताधिकारियों की एक बैठक ली गई थी जिसमें सभी से रिव्यू लिया गया, क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, अपराध का क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ समय में और आने वाले समय में बेहतर तरीके से किस प्रकार से हम अपराधों पर होने से पहले रोकथाम कर सकते हैं और एक बेहतरीन प्रोएक्टिव पुलिसिंग झुंझुनू वासियों को हम दे सकें, ये हमारा उद्देश्य आने वाले समय में रहेगा। मीटिंग में विस्तृत रूप से प्रत्येक सर्कल वाइज चर्चा की गई थी, अपराध के जो ट्रेंड्स अभी तक के रहे हैं, क्या किस प्रकार के अपराध साधारणतया प्रत्येक सर्कल में घटित होते हैं, उनका क्या ट्रेंड्स हैं, कौन कौन अपराधी हैं, कौन कौन अपराधी गैंग्स हैं, उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई है और उनको कैसे प्रोएक्टिव तरीके से और कोर्ट में जो मुकदमे हमारे ऑलरेडी दर्ज हैं उनको समय पर उनका निस्तारण और जो भी प्रतिवादी हैं उनको तुरंत न्याय मिल सके और जो पेंडिंग फाइलें हैं, पेंडिंग तफ्तीशें हैं, उनका जल्दी निस्तारण हो चुके, इसके बारे में जो है एक विस्तृत चर्चा हुई थी और डायरेक्शंस जो थे मीटिंग में सभी वृत्ताधिकारियों को मेरे द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि मुझे बताया गया है, झुंझुनू जिला जो है वो पूरे राजस्थान में सीसीटीएनएस में काफ़ी अच्छे जो है पद पर रहा है, अच्छे स्थान पर रहा है। उस चीज़ को बरकरार रखने का प्रयास जो है हमारे द्वारा लगातार किया जाएगा क्योंकि सीसीटीएनएस अपने आप में राज्य सरकार की और पुलिस मुख्यालय की एक बड़ी अच्छी स्कीम है और संपूर्ण पुलिस कार्रवाई को, संपूर्ण पुलिस थाने की प्रणाली को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का एक जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें बेहतरीन कार्य करने का हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे। ऑलरेडी झुंझुनू जिला जो है वो उसमें काफ़ी अच्छे स्थान पर है, लगातार इस स्थान को हम बरकरार रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें पूरे राज्य भर में नंबर 1 रहें। हरियाणा देखिए, निश्चित तौर पे दूसरे राज्य की सीमा होना और वो भी हरियाणा राज्य की सीमा होना, इसके अलावा जो चूरू में राजगढ़ क्षेत्र है, अपराध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर जिला सीमा है जो चूरू से लगती हुई है, आपराधिक गैंग्स और विभिन्न प्रकार के अपराधियों की आमद रफत होना यहाँ पर लाजमी है, तो इन अपराधियों पर और आपराधिक गैंग्स पर लगाम लगाने के लिए इनकी जो है हम इन्हें सर्वप्रथम तो चिन्हित कर रहे हैं, इनकी एक सूची हम हमारे द्वारा बनाई जा रही है और किस प्रकार से हम इनको बेहतर तरीके से पकड़ने का कार्य हो, चाहे प्रिवेंटिव पुलिसिंग का काम हो, चाहे प्रोएक्टिव पुलिसिंग का काम हो, वो हम एक टीम भावना से जो है सभी लोग साथ मिलकर करेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो एक नया ट्रेंड उभर कर आया है राजस्थान भर में और राजस्थान के बाहर भी एक जो ट्रेंड है कि जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें फोन पर एक्सटॉर्शन या रंगदारी के तहत धमकी देना और फिर पैसे वसूल करना, इस पर भी हमारी लगातार नज़र रहेगी और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार की कोई भी घटना झुंझुनू जिले में ना हो। आपकी बात सही है, सीसीटीवी का जो महत्व है उसे मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी घटनाक्रम में सीसीटीवी जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप सभी के माध्यम से मैं जनसाधारण को, व्यापारीगण को, व्यापार मंडलों को ये मेरी तरफ से अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल करें। सीसीटीवी कैमरा अपने आप में एक जो है पुलिस जवान की तरह है जो कि कभी सोता नहीं है, 24 घंटे नौकरी करता है और कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो सीसीटीवी जो है वो निश्चित तौर पर अपराधों पर रोकथाम के लिए तथा यदि कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसके खुलासे में एक महत्वपूर्ण जो है वो कुंजी रहता है और उसकी मदद से कई सारे अपराध जो हैं पूर्व में भी खुले हैं और कई सारे अपराध हैं जो होने से रह जाते हैं। इसलिए जैसा कि आपने बताया कि जो सीसीटीवी इंस्टॉल करने की जो अभय कमांड सेंटर्स का फर्दर जो एक्सपेंशन है उसकी एक रिव्यू हम एक बार ले लेंगे, कितने कैमरे अभी तक लगे हुए हैं, क्या और प्रक्रिया में है
और निश्चित तौर पर राज्य सरकार द्वारा ये टॉप प्रायोरिटी का एक प्रोजेक्ट है और कोशिश हम करेंगे कि आपस में समन्वय बैठा करके जितने जो प्रोजेक्ट सीसीटीवी फुटेज अभी बाकी लगने बाकी हैं उनको समय रहते पूरा करवाया जा सके। देखिए, जैसा आपने बताया, रंगदारी निश्चित तौर पर राजस्थान में या राजस्थान से बाहर भी, विशेषकर युवक जो आजकल नए हैं वो पुरानी गैंग्स के साथ में जुड़ रहे हैं और इस तरह के अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, और इस तरह के अपराधों का अन्य अपराधों से कहीं ना कहीं एक लिंकेज जो है वो पूर्व में भी स्थापित हुआ है, और यदि इस प्रकार के अपराध कहीं पर हो रहे हैं, चाहे वो जुआ सट्टा हो, चाहे वो क्रिकेट बुकी हो, इन पर भी लगातार जो है पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी। आने वाले समय में इस पर प्रभावी कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिलेगी, और रंगदारी या एक्सटॉर्शन संबंधी जो भी गैंग्स हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पर विशेष नजर जो है हमारी रहेगी। देखिए, एक्शन प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल एक जिस संबंध में जो मुद्दा आपने उठाया है, एक रिव्यू जो हमारे अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं और जन सामान्य हैं, अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से एक जनरल बातचीत करके पहले स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वास्तविकता के अनुरूप जो है आने वाले समय में आपको पुख्ता कार्रवाई उसमें देखने को मिलेगी। फीडबैक को लेकर जानकारी है आपके? कई सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो समय किसी कारणवश यदि कहीं कोई बंद की गई है और आज के समय की आवश्यकता भी है, जहां हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित रह सके, यह राज्य सरकार की भी एक प्राथमिकता है, पुलिस मुख्यालय की भी एक मानसिक प्राथमिकता है। जो टीम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं पुनः इसको स्थापित किया जाएगा जल्द से जल्द, और कोशिश हम ये करेंगे कि जहां पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रही हों, चाहे वो बाजारों में जा रही हों, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना या अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रयास हम करेंगे। बीते एक दो महीने में देखिए, आज तो पहला दिन है, अभी और बारीकी से समन्वय और रिव्यू मीटिंग्स लिया जाना बाकी है। रिव्यू मीटिंग्स का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी जिले का विभिन्न क्षेत्रों का दौरा अभी मेरा ड्यू है, और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के थाना वाइज एक बैठक जो है वो सभी थानों में ली जाएगी। पेंडिंग चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, चाहे चोरी हो, चाहे कोई चुटमुट लूट की वारदात हो जो कि पेंडिंग चल रही है, उसमें चाहे अपराधी न पकड़े गए हों या बरामदगी नहीं हुई हो, उसके लिए भी हम निश्चित तौर पर टारगेटेड समय में उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे ये भी मैं मानता हूँ कि एक पुलिस का दायित्व है कि जो आज के इस समय की हमारी देश की पूंजी है, विशेषकर युवा वर्ग, वो कहीं न कहीं कम समय में ज्यादा पाने की इच्छा में कुछ न कुछ जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं। मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के मार्फत भी युवाओं से विशेषकर ये अपील है कि मेहनत और परिश्रम से जो आप जीवन में पाना चाहते हैं तो मेहनत और परिश्रम के रास्ते से पाएं, ना कि अपराध के रास्ते से। और आने वाले समय में मेरे स्तर पर भी और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर पे युवाओं से, चाहे समाज का अन्य भी कोई वर्ग हो, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, आमजन हैं, मीडिया बंधु हैं या कोई भी वर्ग हो, सभी से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सामंजस्य, एक डायलॉग, एक जो है डिस्कशन सभी के साथ किया जाएगा, ताकि हमें भी उनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिले और उनका समय रहते उनका हम छुटकारा कर सकें।